पाकिस्तान आर चेंजिंग सामाजिक रवैये को है जमाने में पाकिस्तान इज रिवॉल्विंग अंडर द एस्पेक्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज टेकिंग प्लेस इन ओबीडियंस टू लॉ इज अननोन टेररिज्म इज देयर एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस यू विल फेस लाइफ इज हार्श ब्रूटिश क्रूअल बट you have to face life as it comes. Whether you like it or not, having been born, you have to live it. So it is better to die on your feet than on your knees. You have to face life. You must have confidence in your future. वो मैंने जिंदगी में जो चंद चीजें की वो ये है कि मैंने देखा है कि ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि जब ये सोचने लगता है फ्यूचर की जब पैसिव मूड में होता है तो कहता है कि अगर ये हो गया तो मारे जाएंगे ऐसी पिक्चर पेंट करता है कि ऐसे क्यामत आ जाएगी अगर ये हो गया एक्चुअली वन डेट दिस विल डजंट हैपन और जब अच्छी पिक्चर करता है जब मैं यूं होगा तो फिर मैं वहां कमिश्नर लगूंगा और फिर देवी बंगला लाएगी और ये जब ऐसी पिक्चर करता है समझता है कि जब ये होगा तो वह जन्नत हो जाएगी पर एक्चुअली जब हो जाता तो जन्नत भी नहीं बनती बाइबल का एक प्रेयर है वो कहता है ओ गॉड गिव मी द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन एंड द फोर्टिट्यूड टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट एंड द विजडम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू जो कर सकते हो करो जो नहीं कर सकते वो अल्लाह पे छोड़ो जिंदगी बदलती रहती है नेवर लूज हो मैं आपको बताऊं मैंने जिंदगी है अगर स्टैडी प्लेयर प्रोफेसर आदमी अपना काम दबा के करना कॉलेज में मेरा ग्रिप था आई बिकेम प्रिंसिपल एट द एज ऑफ 33 फुल प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल एट द एज ऑफ 33 अनप्रेसिडेंटेड लेकिन मुझे पता था कि मेरे 28 साल प्रिंसिपल ये गुजारने हैं सो आई हैड ए ग्रिप फ्रॉम द कॉलेज लेकिन वाइस चांसलर भी हुआ डीन प्रोफेसर प्रिंसिपल प्रो वाइस चांसलर हुआ जब क्योस राज साहब 11 महीने के बाद रिमूव आई फॉलो अब मैंने आके कंट्रोल किया हमला हुआ मेरे घर पे मेरी मोटर टूटी सरकारी मोटर टूटी मैंने कहा दो ऐसी कह हमने कहा छोड़ दो मैंने कहा नथिंग डूइंग कावर डाइज इज नो वर्च्यू आई सेट देम राइट मैंने ऐसी मुश्किल कसी एज ए लॉयर बहुत एडवांटेज होता है नॉलेज ऑफ लॉ मुश्किल कस के अब मुबारकें मिलनी शुरू हो गई श्री राधा साहब ने मुबारक सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो मुबारक दे रहे हैं पोजिशन दे रहे हैं कि आपने कंट्रोल कर लिया क्योंकि यहां तो पक्के लीक हो गए थे आपके टू ईयर आई वॉज एंजॉइंग लाइफ बुलाया गया उन्होंने कहा कि आप जरा हुक्म है ऊपर से कि यूनियन का इलेक्शन आपने नथिंग डूइंग इट इज नॉट बी माई ड्यूटी वर्क ऑफ द वाइस चांसलर ये वाइस चांसलर का काम नहीं है वन नंबर टू बॉयज आर ट्रेडिशनली एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर उनको पता लग जाए कि वाइस चांसलर इस आदमी में इंटरेस्टेड है तो 100% उसके खिलाफ जाएंगे तो मेरा कोई तल्लक ही नहीं आई किसी उसको तो फिर तुम अपने घर सी अपने घर नेक्स्ट डे आई केम होम एंड आई टोल्ड माय वाइफ इट्स ओवर I was removed. What was done? OSD. Officer in search of a department. Outside the department, jo mangal aap kehte hain. Theek? I was removed. So, pata ye laga ke life mein ye cheezein aati hain. These things, you have to pay the price for it. Mujhe program ko maan bhi nahi tha kya ye मैं दोबारा आऊंगा आई गेट मैंने कहा चलो 28 साल बट आई वॉज स्टिल 52 एट दैट टाइम एंड
और मेरा छीन लिया गया क्योंकि नेशनलाइज, अदरवाइज मैं ओएसडी भी नहीं बन सकता था, आई वॉज ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट कॉलेज भी छीन लिया गया, ये भी हो गया। तो याद रखो ये अपसेट डाउन आएंगी आपकी लाइफ, नेवर मूव्स इन स्टेट, आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे, बी प्रिपेयर फॉर इट। मर्दों का काम यह है कि जिंदगी में इन चीजों को फेस करना, यू हैव टू डू इट। जब ऐसे बच्चे हो तो मैं दो कहानियां सुनाता हूँ आपको, जो मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ। वन इज अ चाइनीज टेबल, वो ये है कि एक का बूढ़ा फलसफी था, उसकी बीवी मर गई, एक बेटा था, तो बाप बेटा रहते थे, उनके पास एक घोड़ा था जिससे वो काश करते थे। एक अडीश सरदार को किसी को जो बहुत अमीर था उसको वो घोड़ा पसंद आ गया, उसने कहा जनाब ये घोड़ा आप मुझे दे, मैं इतने जमीन आपको दे देता हूँ, इतने हजार एकड़ जमीन दे देता हूँ। उसने कहा नहीं मैं नहीं देता। लोग आए गांव के, छोटा सा गांव था, वो लोग आए, उन्होंने यार तो अगर मिस फॉर्चून अच्छा भले पैसे मिल रहे थे तो मैश करते, वट ए मिस फॉर्चून, यू हैव रिफ्यूज इट एंड यू स्टैंड बाई इट। उन्होंने कहा हम नहीं होना थे मिस फॉर्चून, और उनका फलते भी है छोड़ो पड़े। कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा भाग गया, नहीं भेजा था, लोग आए अफसोस करने के, जनाब वट ए मिस फॉर्चून, घोड़ा आपका जो आपने बेचा नहीं था, दिया नहीं था, उसकी इतनी जमीन मिल रही थी, अब वो भाग गया। मैंने कहा भी यूनिवर्सिटी मिस फॉर्चून। 15-20 दिन के बाद वो घोड़ा 3-4 और जंगली घोड़े लेके वापस आ गया, उस बेटे ने फॉर्चून उनको काबू कर लिया, वो आए मुबारक सलामत, वट ए गुड फॉर्चून। पागल ऐसा है, मुबारक जी होता नहीं, अफसोस करो होता नहीं। चंद दिन जब बेटे ने जो घोड़े को जंगली घोड़े को दिया, एक घोड़े ने लात मारी, उसकी टांग टूट गई बेटे, फिर लोग आए अफसोस करने से, वट ए मिस फॉर्चून, हाउ डू यू नो इट्स बिल्कुल ही पागल है। अगले साल जंग लग गई, वो सर गवर्नमेंट के बंदे आए, वो जितने एबल बॉडीड थे उनको ले गए, ये लंगड़ा था इसको छोड़ गए। सो जेंटलमैन, हाउ डू यू नो कि जो आपसे हो रहा है इज इट गुड और बैड। मेरी आपको इस्तेदा है कि दुआ करें जब आप नमाज पढ़ के, कि या अल्लाह वो हो जो तू हमारे हक में दे। वी नेवर नो। बहुत सी एक आदमी जहाज पे जा रहा था, उसके देर हो गई, जहाज निकल गया, बड़ा अफसोस हुआ, क्रैश, किस्मत तो बची है। सो यू नेवर नो, द ओनली थिंग सर्टेन इज फ्यूचर इज अनसर्टेन। खुदा पे एक बार रखो, थिंग्स ऑलवेज चेंज। एक तो मैं ये लेसन है इसका कि जो हम इसे मिसफॉर्चून समझते हैं या नहीं समझते, अब देखिए मैं तो निकल गया उस वक्त, कुछ फैसले ऊपर ही होते हैं। मुझे बाहर से एक ऑफर आई, मेरी 8 साल नौकरी बाकी थी, ऑफरिंग में 1 टाइम की सैलरी अभी बात स्टार्ट है, आप आइए 1 साल के लिए, आइए 3 साल के लिए, देखेंगे जो आपकी मर्जी, आपका आने जाने का किराया कोठी आपको देंगे और ये लो, और आपके बच्चों के आने जाने का ये लेना बात है कि मैं नहीं। बिकॉज इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट चेंज, आई वॉज बैक, पहले मैं मिनिस्टर बना और उसके बाद करना वाइस चांसलर का मेंबर ग्रांस कमीशन, वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांस कमीशन। तो वट यूर इज फ्यूचर अल्लाह से छोड़िए, आप सिर्फ दुआ करें, डू योर बेस्ट एज ऑलवेज। एक तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का लेसन है, थिंग्स ऑलवेज चेंज। तो बात एक तवैया को है जमाने में, खुदा के कर्म से कभी मायूस मत हो, फेथ रखो फ्यूचर में, इसके बगैर गुजारा नहीं। दूसरा, एक पब में अंग्रेज कुछ माइनर जो माइन में काम करते थे, दे यूज टू गेट टूगेदर इन द पब इन द इवनिंग, और बैठ के वो कोई बातें करते थे, पीते थे और बातें डंपू थोड़ा सा लगाते थे। देयर वाज वन शॉर्ट ट्रेन फेलो हु हैड अ माउथ इन द कॉर्नर, हु हैड अ पाइप इन द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, who are always said, yes, could have been worked. कोई एक्सीडेंट हो जाए
किसी को चोट लग जाए कोई बात हो तो ही बुरा उसका ये तकिया के नाम था। एक दिन वो आए तो एक मिस्टर जॉन बनने से उन्होंने पूछा वेयर इज मिस्टर जॉन। चर्च ऑन चर्च रोड देयर वाज वन मिस्टर व्हाइट हु वाज अ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस सेल्समैन। He would go out on Mondays and come back on Fridays. So meticulous was he about the time of his going and coming back that people could set their watches by his arrival or departure. By some chance, he came home one day again. He found John in bed with his wife. He picked up a gun, shot John, our friend John, shot his wife and shot himself. This was like, yes, could have been worse. Like a bastard, what could be worse? John is dead, Mrs. White is dead, White is dead, Mrs. White is dead. If he had come 2 days earlier, he would have found me. अगर हालात खराब हो तो वो उस तरह चाहिए उस पाइप वाले की तरह चाहिए तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सीडेंट हो जाए आपकी मोटर जाया होगी लेकिन आप बच जाए तो कहो कूड़े दिन बस। एक दोस्त की जो एक्सीडेंट हुआ वो बच गया। मैंने कहा उसने कहा यार बड़ा मैंने कहा कूड़े दिन बस। तो याद रखिए कि जो बच जाए उसको भी मत जाने। ठीक देखो भाई वो बात सर ऋषि साहब वगैरह आए हूँ दोनों कई शेर साहब रहते हैं 5-7 मिनट आप जीते। माई एडवाइस टू यू इज नेवर लूज होप। और दूसरा कुछ हो जाए मिस फॉर्चून मैंने आपको आगे भी एक दिन कहा था फेट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स बाई एनी रूल्स ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले। होगा आपसे ज्यादा ना इंसाफियां भी होगी जबिल भी होंगे मिसफॉर्चून भी होंगे टेक इट एज इट कम्स। वन नंबर टू मेरी एडवाइस ये है वन टू फेस ऑल दिस लाइफ लुक आफ्टर योर सेल्फ। वन अपनी सेहत का ख्याल रखें फाइंड हाफ एन आवर और एन आवर फॉर योर सेल्फ। इफ यू आर हेल्दी यू कैन फेस एवरीथिंग अदरवाइज इफ यू आर वीक डिजीज अनहेल्दी यू विल बी ए बंडल ऑफ नर्व्स। टू फेस लाइफ योर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। अपने लिए वक्त निकालिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नंबर टू नेवर से और डू ए थिंग यू विल बी अशेम्ड ऑफ एडमिटिंग पब्लिकली। कभी ऐसा काम ना करें जो बाद में आपको ओन करते हुए शर्मिंदगी हो। व्हेनेवर यू आर इन डाउट वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग आस्क योर सेल्फ विला एवरी करें। लड़कियां गुजर रही हैं लड़के फिक्रे फंसते हैं मैंने कभी नहीं किया। क्यों मुझे पता था मेरी माँ ने पूछा तो मैं क्या जो आप लोग तो याद रखिए कोई ऐसा काम मत कीजिए जो आप में करेज ना हो टू ओन कि यस मैंने किया। ऐसा कोई काम गलत नहीं होगा जो आपका दिल कहेगा आई कैन ओन इट। अगर आप ओन कर सकते हैं तो कीजिए। नंबर तीन किसी के कहने पर गलत काम मत कीजिए। यार के भांगे यारियां बंदे ने कतल करना तो यार साथ तोड़ पड़ना है मुहदाई समझे कि नवा। मेरे पास लोग आते थे कहते थे जनाब तुम को थानेदार लगना जे अभी कतल करांगे तो फिर तुम साड़ी मदद करोगे मुंडा ही दाखिल कराना है। यानी उनका ख्याल था फाइबर है थानेदार दे वुड हैव राइट टू किल वन मैन एंड वाइफ थाना। ये क्या है माफिक की बात है। बी स्ट्रेट नवा से और डू ए थिंग यू विल बी अशेम्ड ऑफ एडमिटिंग। देख ली तीसरा लुक आफ्टर योर लाइफ कंपेनियन। ए गुड वाइफ इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अगर आपको कोई आपसी नजर की मिल गई तो फिर आप रोएंगे। याद रखिए यू कांट बर्न योर कैंडल ऑन द बोर्ड मल की जिंदगी कुत्ते की जिंदगी वेरी हार्श। तो उसको कम से कम अगर घर पे अगर सुकून ना मिले आप घर में आए तो अगे एक खूंखार बंदा बैठा हो कमी पहने तो फिर आप किस तो मारेंगे आप दोनों। तो याद रखिए लुक आफ्टर योर कंपेनियन। टू गर्ल्स
My advice is, when you get married, look after your husband. He's a very useful slave. Just as you look after your pets, कुत्ते को भी आप गले को भी खरखड़ा करते हैं, look after them. वाह, ये सती होने वालों की औलाद हैं. They are faithful. कदर कीजिए इनकी. बट उनको मैं एडवाइस है, लुक आफ्टर दिस स्लेव. दोबारा देर इज नो सेकंड चांस इफ यू गेट ए डिवोर्स. सो औरतें डिवोर्स लेती भी नहीं है काम करती. बट लुक आफ्टर, माई एडवाइस इज वन, मेक हिम डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ. अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कर दो. जनरल लतीफ रहमान से मेरी बड़ी दोस्ती थी, तो मैंने कहा क्या बातें हो रही थी. उसने कहा वन थिंग आई मिस आफ्टर माई रिटायरमेंट. आई सेड व्हाट इज दैट. उसने कहा माई बैट्समैन, जो मुझे रद्दी कराता रहा है हर चीज पे स्पॉट पाई है. इसी तरह मेक श्योर लेडीज यू मेक योर हस्बैंड डिपेंडेंट ऑन यू. यू आर लॉइन कैमर्स, याद रखिए, काबू कर लेंगे आप. यू आर फिजिकली वीक बट वेरी क्लेवर. यू स्पेंड मैन फ्रंट द फिंगर. What a weak do is always strategy. You are lion tamer. आपने कभी देखा सर्कस में कि वो जो ट्रेनर होता है वो यूं मारता है और साथ हाथ में एक कुर्सी रखता है. शेर को यूं आगे करता है, जंगल का बादशाह आगे करता है, लेकिन पीछे हटता जाता है. लायन फ्रंट अटैक करेंगे वो या आपको तो ये हमला कर देगा या भाग जाएगा. तो अगर आप फ्रंटल अटैक करेंगे हस्बैंड पे, या वो भाग जाएगा या वो आप पे हमला करेगा. आंसर इज नो, टेक टाइम. Make yourself indispensable. And he is a very useful slave. There is no second chance. इसलिए but on the other hand, our women are more faithful, more sacrificing. That the money? 5 minutes ऊपर हो गए हैं. I think that is enough. My parting advice to you. Wherever you go, my prayer for your success in life goes with it. Thank you very much. If I have offended anyone during this time, I just make fun. खेल से बातें करता हूँ मैं. मेरे बच्चे हैं ये सारे. You are all my spiritual children. अगर कोई offend हुआ तो I apologize. Thank you very much. God bless you.